नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा से। दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले शहर के बाहर से आए कलाकारों ने इन दिनों मां जगदम्बे की विशाल प्रतिमा को बनाना शुरू कर दिया था। अब कलाकार इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। कलाकारों ने 6 से 12 फीट ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण भी किया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इन प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन ने भोपाल में पिछले दिनों गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव पलटने के हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया है। नाव पलट जाने से 11 युवाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद राज्य प्रशासन ने प्रतिमाओं के आकार को लेकर कई कदम उठाए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब हमारे रिपोर्टर ने पड़ताल की तो पता चला कि हजारों मूर्तियां POP से घरों में बनकर लगभग तैयार हैं। वहीं प्रशासन के कई बार नोटिस देने के बाद भी कलाकार इसे अनदेखा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आखिरी वक्त पर जागता है या नहीं, और मूर्तिकारों को कम ऊंचाई की प्रतिमा बनाने के निर्देश मिलते हैं या नहीं। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासुदा से LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। आज तो लगभग बच्चे बच्चे को भी पता है कि POP से कितना प्रदूषण होता है। एक तो वह गलता नहीं है, दूसरा हम नदियों में विसर्जित करते हैं तो नदियों की जो गहराई है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और उसमें जिस तरीके के कलर्स यूज होते हैं, उनमें जो केमिकल डले होते हैं, उन केमिकल से न सिर्फ समुद्री जीवों को नुकसान है बल्कि वही पानी हमारे पीने में आता है तो हमको भी बहुत सारे नुकसान है। न सिर्फ हमारे अंदर बल्कि हमें शारीरिक रोग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं इनसे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन तो ठीक है, वो कर रहा है जितना कर सकता है, बल्कि और कड़े कानून बनाने चाहिए, पर हमको खुद को भी सोचना चाहिए कि एज अ सिटीजन हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या हमको नहीं लगता कि हमारे तरफ से हो रहे नुकसान को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि आखिर जीवन तो हमारा भी। मेरा नाम धनराज प्रजापति है और मैं ये चाह रहा हूँ जो प्रशासन POP का रोक लगा रहा था और अब तक लगा नहीं पाया, जिससे हमारा धंधा चौपट हो रहा है। एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि आप POP को बंद करिए, मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करिए, POP की मूर्तियाँ मार्केट में बिकती हैं और हम लोगों की धंधे का पिटता है। वो प्रशासन कहता कुछ है, करता कुछ है नहीं।